हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्मार्ट टेक सोल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने नीट 2019 का एग्ज़ामिनेशन दिया है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को नीट 2019 में बोनस मार्क्स मिलने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। और 12 से 14 नंबर के करीब जो है बोनस मार्क्स मिलेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और काफ़ी जो है फ़ायदा होने के बाद काफ़ी लोगों के सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से लोगों को बोनस मार्क्स मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे और किन क्वेश्चन पर, मतलब कैसे मिलेंगे, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे लाल रंग का दिख रहा होगा, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। हम नीट 2019 से हर एक अपडेट वाली वीडियो डालते रहते हैं, सो आप अगर बेल आइकन को दबा देंगे तो आप लोगों को कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और एक और रिक्वेस्ट, वीडियो के नीचे अपने नंबर ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों को कितने नंबर आ रहे हैं। हम रिप्लाई करके आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आप लोगों के चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस हैं या नहीं। आप लोग ये कमेंट में बताइए अपने नंबर और कैटेगरी भी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को हम बताते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों देखिए, नीट 2019 का एग्ज़ामिनेशन जो है समाप्त हो चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रूमर्स उड़ रहे हैं कि जो है बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सही बात है कि बोनस मार्क्स जितने मिलेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 नंबर जो हैं बोनस मार्क्स मिलने के चांस अभी दिख रहे हैं। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बोनस मार्क्स किन्हें मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो देखिए, बोनस मार्क्स उन क्वेश्चन पर मिलते हैं जिन क्वेश्चन पर अगर एक से ज़्यादा आंसर सही होता है। अगर सपोज़ करिए चार ऑप्शन होती हैं, तो उनमें से अगर ऑप्शन 1, 2, 3 तीन ऑप्शन सही हैं तो इस केस में बोनस मार्क्स मिलता है। और अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता उस केस में बोनस मार्क्स मिलता है, या फिर सारे ऑप्शन सही होते हैं उस केस में बोनस मार्क्स मिलता है। और देखिए, अगर जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो अगर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 दिया हुआ है, लेकिन उससे अगर 2 और 3 ऑप्शन भी सही आंसर है तो स्टूडेंट जो है चैलेंज करेंगे और उस पर भी बोनस मार्क्स मिलता है। तो ये 3-4 कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग बोनस मार्क्स मिलता है। और अब बात रही किसको बोनस मार्क्स मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बोनस मार्क्स सबको मिलेगा, कोई एक स्टूडेंट नहीं होगा। अगर बोनस मार्क्स मिलेगा तो वो सबको मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को बोनस मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पर एक बात मैं और आप लोगों को बता दूँ कि इन बोनस मार्क्स में उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जिन लोगों का वो आंसर गलत हो गया होता है, क्योंकि उनका गलत होने पर -1 होता है। तो अगर उनको बोनस मार्क्स मिल जाता है तो -1 से वो बच जाते हैं और 4 नंबर जो है उनको एक्स्ट्रा, तो यानी 4-5 नंबर का उनको फ़ायदा सीधे सीधे हो जाता है। तो ये काफ़ी खुश वाली बात होती है जिन लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया होता या फिर उनका आंसर गलत हो जाता है, लेकिन जिन लोगों ने सही अटैम्प्ट किया होता उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो हालांकि अभी बोनस मार्क्स मिलने के चांस हैं और बहुत अच्छी खबर है, तो आप लोगों के लिए बधाई हो और आप लोगों के चांस हैं सिलेक्शन होने के लिए। ऐसी ही खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और कमेंट में अपने नंबर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।